हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरआरबी क्लर्क 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। इसका पार्ट वन मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट टू है। पार्ट वन में जो क्वेश्चन करवाया था, बाकी क्वेश्चन बच गया था, उसी क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करवाएंगे, जिसमें डीआई बच गया था और वर्ड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो उसी को हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई से है। इसे बताया गया है कि एल एम और एन ओ चार शॉप है, जो कि एक पार्टिकुलर डेज में कितना ड्राई क्लीन करता है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्लॉथ ड्राई क्लीन्ड बाय एम ऑन ट्यूजडे एंड वेडनेसडे। देखिए, एम को ट्यूजडे और वेडनेसडे कितना क्लॉथ ड्राई क्लीन करता है उसका सम निकालना है। देखिए, ट्यूजडे को है 75 और 95, वेडनेसडे का सम कर लेंगे कितना जाएगा, 90 प्लस 70 कितना जाएगा, 160 प्लस 55 कितना आएगा, 170। तो आप ऑरली सम करने की कोशिश कीजिए, आपको टाइम यहाँ से बच जाएगा। एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्लॉथ ड्राई क्लीन बाय एल ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। एल का वेडनेसडे को होता है 85 और थर्सडे को होता है 25, तो कितना जाएगा ये 110। काट लीजिए इसको तो कितना जाएगा 17:11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ क्लॉथ ड्राई क्लीन बाय ओ ऑन मंडे एंड थर्सडे। देखिए, ओ को मंडे एंड थर्सडे का सम निकाल देना, कितना 40 प्लस 115 कितना जाएगा, 155। ये हो जाएगा डिफरेंस निकालना है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ द क्लॉथ एन ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। एन का देखिए मंडे और वेडनेसडे कितना है, 100 और 35 का डिफरेंस 65। बस यही आपको डिफरेंस निकालना था, कितना जाएगा ये हमारा 90। ठीक, देखिए इसमें 90 कैसे आएगा, तो आप ये तो ऐसे कर लीजिए, 150 में से 60 को हटा दीजिए, कितना जाएगा 90, क्योंकि क्या है, देखिए 50 पाँच से 5 सेकेंड से जाएगा पहले ही, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 5 ऐड कर लीजिए कितना जाएगा 160, इसमें 5 ऐड कर लीजिए तो कितना जाएगा 170। 160 में 70 को माइनस कर लीजिए, तो ऐसे भी आप इसको ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्लॉथ ड्राई क्लीन बाय एन ऑन ट्यूजडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। देखिए एन का ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे का सम निकालते हैं। देखिए 55 प्लस 35 प्लस 60, देखिए 55 को 35 का 90 हो गया, 90 प्लस 60 150। पूछा गया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लॉथ क्लीन बाय ओ एंड ऑल डेज। देखिए ओ को सभी डेज में सम कितना हो जाएगा, देखिए 40 प्लस 90 कितना होगा, 130 प्लस 60 190 प्लस 70 260 प्लस 150 कितना होगा, 375। तो देखिए इस तरह से आप ओरली सम कर सकते हैं, ये परसेंटेज कितना है इसको हमें निकालना है। देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले 4 से इधर मल्टीप्लाई और 4 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्या होगा, 75 को 4 से करेंगे 300 और 3 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 300 इंटू 4 1200 और 300 कितना जाएगा 1500। सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं आपको 1500 नीचे में आ गया। देखिए 150 इंटू 4 600, बस कैंसिल, या फिर वैसे भी हम इसको काट सकते थे 40 टाइम्स में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा ये हमारा 40% आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज हैड द मोस्ट नंबर ऑफ द क्लॉथ ड्राई क्लीन बाय द ऑल शॉप टुगेदर। अब किस दिन सबसे ज़्यादा ड्राई क्लीन्ड हुआ है
उस शॉप को देखते हैं। देखिए तो मंडे को कितना ट्रोल हुआ है वो देख लेना है, ट्यूसडे का, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। इसे क्या करना है हमको, सभी को सम करके ये चेक करना है कि किस दिन, किस पर्टिकुलर डेज में सबसे मैक्सिमम ड्राई क्लीन्ड हुआ है। तो पहले देखते हैं, देखिए आप एक बार उसको ओवरव्यू कीजिए, उसके बाद देखना है। देखिए यहाँ पर इसमें 2 बार 100 आया है, इसमें भी देखिए 2 बार 100 प्लस आया है, बाकी देखिए इसमें 1 टाइम्स आया है। तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि इसी दोनों में से कोई एक जो मैक्सिमम ड्राई क्लीन्ड किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, इस दोनों को सम करेंगे, 110 प्लस 105 कितना जाएगा, 215 आ जाएगा, प्लस 45 260 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 330। ठीक है, इस तरह से आप इसको ओरली भी सम कर सकते हैं। फ्राइडे का जाएगा ये 330 आ गया। चलिए एक बार थर्सडे को भी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 25 है, नीचे में दिया है 15, कितना हो जाएगा 140 प्लस 120 260 प्लस 60 कितना हो जाएगा 320। थर्सडे को हो गया 320, मतलब थर्सडे तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, फ्राइडे से ज़्यादा है। आगे देखते हैं वेडनेसडे को, देखिए यहाँ पर इतना 300 तो पूरेगा ही नहीं, इसमें भी देखिए 300 नहीं पूछ सकता है। ये देखिए 75 एड कर लीजिएगा एक बार आपको, तो मैक्सिमम किस डेज में आ रहा है आपको सम, तो फ्राइडे का सबसे ज़्यादा ड्राई क्लीन्ड हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब है अगला क्वेश्चन मिसलेनियस से रिलेटेड है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मार्क अप 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर हम सब कुछ कर लेते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सी पी 100 रुपीज़ है, या फिर 100x मान लेते हैं, अगर 100x है तो इसका एम पी कितना जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो गया, 50% अबव दिया है, मतलब 150x हो गया। अब कहा गया इफ़ द डिस्काउंट ऑफर ऑन द आर्टिकल इज 50 रुपीज़, मतलब अगर हम इसमें से 50 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो ये तो हमारा एस पी आ जाएगा, माइनस 50 रुपीज़ इसमें से माइनस किया है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है इसका, प्रॉफिट 50 रुपीज़ का होता है। मतलब अगर हम इस 150x में से 50 डिस्काउंट देने के बाद 50 रुपया प्रॉफिट होता है, मतलब इसमें से अभी अगर हम 150x माइनस 50, इसमें से अगर हम 50 रुपया माइनस कर दें तो ये क्या जाएगा, हमारा सी पी आ गया, यही हमें इज इक्वल टू सी पी हमें दिया हुआ 100x। ठीक, इस 100x इधर लाइन कितना हो जाएगा, 50x इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 100। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। पूछा गया है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, देखिए एम पी है 150x, 2 पुट कर कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम से। ये कहा गया है ए बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर 40 आवर्स। देखिए अगर सपोज कर लेते हैं बोट का स्पीड है एक्स स्टील वाटर में और स्ट्रीम का है वाई, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितना जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में है लेकिन इसमें टाइम दिया हुआ है टी। सेकेंड में कहा गया है अगर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 14 किलोमीटर पर स्पीड का स्पीड होता है लेकिन टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करने में लगता है इसको टाइम दिया यहाँ पर 6 आवर। पूछा क्या गया है इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम इज 44 किलोमीटर मोर देन डैट इन द अप स्ट्रीम डायरेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ से टी की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सब डिस्टेंस निकाल सकते हैं, अगर स्पीड दिया है 14 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 14 × 4 डिस्टेंस ही होता है स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना जाएगा हमारा 84, ये हो गया कितना अप स्ट्रीम का, सॉरी डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस इतना हो गया। पूछा हमसे बता रहा है इफ़ द डिस्टेंस
ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इज 44 मोर किलोमीटर देन इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डिस्टेंस तब कितना जाएगा इसमें से 44 माइनस कर लेंगे तो कितना जाएगा हमारा 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस है। ठीक है, हमें टी का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू हमें निकालना है तो देखिए 10 इंटू टी इज इक्वल टू 40 यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 10 से 4 टाइम में ये कैंसिल एंड टी वैल्यू कितना जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एक्स एंड एक्स प्लस 800 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली आफ्टर वन ईयर अर्नड प्रॉफिट इज 3200। मतलब ए को जो प्रॉफिट होता है 3200 टोटल जो प्रॉफिट होता है 6800 में से, तो क्या होता है इन्वेस्ट का रेशियो ही क्या होता है प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है, तो दोनों का इन्वेस्ट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट के रेशियो। प्रॉफिट है ए को 3200 6800 में से, तो बी को कितना हुआ होगा इसमें से माइनस कर लेंगे कितना होगा 3600। बस इस 2020 कैंसिल, ये कितना जाएगा 8 और ये कितना जाएगा 944 से काट लिए हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे 9x इज इक्वल टू 8x प्लस 6400 ये हमारा आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू कितना जाएगा 6400 निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस सपोज करते हैं पाई डी है, तो 2 इंटू रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब एल प्लस बी अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ आर्टिकल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सपोज कर लेते हैं सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है 2 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यही है। अगर एल और बी लेंथ एंड ब्रेथ है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द डायमीटर। अगर डायमीटर को हम डी ले लिए हैं, अगर डायमीटर को अगर हम डी लिए हुए हैं तो 2 इंटू लेंथ भी डी होगा प्लस ब्रीथ के बारे में क्या बताया गया है, इफ ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर का हाफ हो जाएगा इसका ब्रीथ प्लस 2। तो पूछा गया है सर्कल का रेडियस कितना होगा, सिंपल है, देखिए ये कितना हो जाएगा इसको एड करेंगे 3d/2, 2 से 2 कैंसिल 3d हो जाएगा, पाई डी माइनस 3d इज इक्वल टू 2। पाई के वैल्यू बता दिया, 2/7 रखना है, पहले इसको हम d कॉमन ले लेते हैं तो 22/7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। इसको एलसीएम ले लेंगे कितना होगा 22 में 21 यानी 1/7 यानी d/7 इज इक्वल टू 2, तो डायमीटर हमारा आ गया 14। डायमीटर 14 रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ यानी कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब पूछा गया वर्क से है, टाइम एंड वर्क से, इफ़ 12 ओमेन कंप्लीट अ वर्क इन 64 डेज, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 × 64 यूनिट, टोटल वर्क कितना, इन हाउ मेनी डेज विल 16 ओमेन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। मतलब 16 ओमेन सपोज कर लेते हैं एक्स डेज में टोटल जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेता है, वर्क कितना है 2/3 वर्क, पहले था 12 × 64, बस इसी को हमको सॉल्व करना है और आंसर आ जाए। देखिए 16 से डायरेक्ट काट लेते हैं 16 × 4 = 3 से काट लेंगे 4 टाइम में, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 × 16 = 32 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एट प्रजेंट पी इज 4 ईयर्स और इल्डर देन क्यू। सपोज कर लेते हैं
अगर क्यू का एज एक्स है तो पी का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस फोर, 4 साल बड़ा है क्यू से। इफ़ आफ्टर 2 ईयर्स द रेशियो ऑफ क्यू एंड पी 5:4, मतलब पी का अगर एज है एक्स प्लस फोर, 2 साल के बाद इसका हो जाएगा इतना, प्लस टू ऐड कर देंगे एक्स प्लस टू। तो पूछा क्या गया है, हम लोग इसका रेशियो दिया है 5:4, यहाँ से हम एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं तो कितना जाएगा 4x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 हो जाएगा, ये 6 को 4 मल्टीप्लाई कर 24 इज इक्वल टू एक्स को 5 करेंगे 5x प्लस 10। तो ये कितना जाएगा, इस 4 को ले जाएंगे इधर 4x को तो कितना जाएगा, ये x इधर जाएगा, ये 10 जाएगा, तो कितना x वैल्यू कितना जाएगा 14। x का वैल्यू हमारा आ गया 14। तो पूछा गया है देन व्हाट विल बी द एज ऑफ द क्यू आफ्टर 2 ईयर्स, प्रेजेंट एज कितना है 14 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितना जाएगा 16 ईयर्स, बस यही निकालना था। अगला क्वेश्चन है टू पीपल ए एंड बी स्पेंड 30% ऑफ दियर इनकम इफ़ दियर टोटल एक्सपेंडिचर इज 26,400 एंड द इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ दिस। सपोज कर लेते हैं अगर बी का इनकम एक्स रुपीज है, मान लेते हैं 100x है, तो ए का इनकम कितना जाएगा इससे 120% ज़्यादा, 20% ज़्यादा मतलब 120x, ठीक है। पूछा अरे बताया गया है कि दोनों अपने इनकम का 30% एक्सपेंड करता है, मतलब 100 का 30% कितना जाएगा 30x प्लस 120 का 30% 36x, दोनों को मिला के जो एक्सपेंडिचर होता है वह दिया गया है 26,400। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कितना जाएगा 66x इज इक्वल टू 26,400। इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 11 टाइम्स काट लेते हैं, 6 से कर जाएगा कितना जाएगा 400। एक्स का वैल्यू आ गया हमारा 400। तब पूछा गया है व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द बी, बी एक्स वैल्यू इसको रख देंगे हम 400, तो कितना जाएगा 4×00 मतलब 40,000 इसका इनकम है। चलिए अगला क्वेश्चन है टू पीपल ए एंड बी इन्वेस्ट इक्वल अमाउंट इन अ स्कीम 40 and T+4 years रिस्पेक्टिवली, मतलब ए जो है इक्वल अमाउंट को टी साल के लिए और बी टी प्लस फोर ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। इफ़ द रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर जो कहा जितना इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही उसके इंटरेस्ट के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। सपोज करते हैं एक्स रुपीज टी समय के लिए ए इन्वेस्ट करता है, एक्स ही रुपीज टी प्लस फोर समय के लिए बी इन्वेस्ट करता है, इसका जो रेशियो बता दिया है इंटरेस्ट का वो 1:2 है। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी का निकलने का, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए और सॉल्व कीजिए 10 से 15 सेकंड में। कॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना होगा 2t हो जाएगा, टी एन टी की वैल्यू कितना जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए और 4t का आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। अब कहा गया है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 22 km/h पासेज अ पोल इन 30 सेकेंड। देखिए अगर स्पीड दिया हुआ है 22 km/h में, टाइम दिया है सेकेंड में, अगर आंसर भी आगे क्या है सेकेंड में ही, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हुआ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 15/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18×4 तो कितना होगा 20 m/s, ये आ गया हमारा स्पीड, ठीक है। ये कहा गया है किसी ट्रेन को मतलब किसी पोल को 30 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो डिस्टेंस कित मतलब इस ट्रेन का डिस्टेंस लेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम यानी कितना होगा 600 m इसका ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा। अब पूछा गया इन हाउ मच टाइम इट विल पास द सेम पोल
इफ ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर फिर मीटर में पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 18 को 3 बार में, मतलब कितना है इसका स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड को सेम ट्रेन इसको कितने सेकंड में पार कर लेगा, तो फिर यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया है, टाइम निकालना है तो कितना जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कितना जाएगा 40, यानी 40 सेकंड में इसको पार कर लेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए, आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।